नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मनपसंद वीडियोस लेके। और आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से मिलता जुलता ही हमने चूज किया है। जहाँ हमने पिछले टॉपिक को एंड किया था वहीं से हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा पिछला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं, ठीक है ना। और आज का टॉपिक हमने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि क्या ऐसी कौन कौन सी मेन चीजें हैं या कौन से ऐसे मेन स्टेप्स हैं जो आप उठा सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छा करने के लिए। तो लास्ट वीडियो हमारा पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की कॉन्सिक्वेंसेज को बताने के लिए था, और ये वीडियो आपके लिए है कि हम कौन से ऐसे स्टेप्स उठाएं, ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो सकती है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो खाली आपको थॉट्स देने के लिए है, आपको समझाने के लिए है, सलाह देने के लिए है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आपके ऊपर ये सारी हमारी सारी सलाह थोप दी जाए, आपको जबरदस्ती करने के लिए कहा जाए। आपकी लाइफ आप जैसे जीना चाहे जी सकते हैं। और चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो हमारे काम आ सकती हैं। अच्छा दोस्तों, एक और गुजारिश मेरी आपसे रहेगी कि अगर आपको लगता है मेरा वीडियोस आपके काम के हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जितने भी हैं वहां शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल बटन साथ में आपको मिलेगा, उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी वीडियोज मेरी नई आती है आपको हमेशा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते अपनी वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 6 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही थी पिछले बार में देखा, अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है तो हमारे चिल्ड्रन का फेट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उनकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हम अनसर्टेनिटी को मीट करने में फेल हो जाते हैं, और हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती जो हमने कभी नहीं चाहिए थी हमारे लिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे हम मैंने आज कोशिश किया दोस्तों ऐसे टॉपिक्स को पकड़ने के लिए जो आपकी लाइफ में, अगर आपने उन टॉपिक्स को बहुत बारीकी से समझा तो विश्वास कीजिए, मैं भरोसा दिला सकता हूँ आपको, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए, हमारी सेविंग्स क्या होती है। देखिए, हमारा आज तक 90% लोग जितने हैं, जो 96% वर्सेस 4% का मैंने जिक्र किया था मेरी एक वीडियो में, जहां 4% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड का धन है और 96% लोगों के पास में वो धन की कमी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो 96% लोग हैं उनका जो पैसा है वो सेविंग्स में पड़ा रहता है। दोस्तों, सेविंग्स क्या है? सेविंग्स का मतलब है प्योर बैंक अकाउंट्स। आपके बैंक अकाउंट्स पर आपने पैसा रखा है जहां पे आपको 3 या 4% से ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा है, इन्फ्लेशन हमारी 6 से 7% के बीच में रेंज करती है। अगर हमें इन्फ्लेशन 5% भी आ जाती है तब भी हमारी सेविंग्स में पड़ा पैसा जो ब्याज लेके आ रहा है वो हमें हमारे पैसे को ग्रो नहीं करा रहा है, हमें उल्टा बैंक को चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं हमारा पैसा रखने के लिए, तो हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। सेविंग्स को जानना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए लोगों को लगता है कि अगर हमने पैसा बैंक में रख दिया और FD में पैसा लगा दिया तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। हाँ ठीक है, FD एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पर क्या वो एक सही तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है? उन्होंने RD में रिकरिंग डिपॉजिट्स में पैसा लगा दिया, उन्होंने पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा रख दिया MIS के थ्रू। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है हमारे पैसे को ग्रो कराने के लिए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आने वाली वीडियोस हमारी ऐसी रहेंगी दोस्तों, जब हम एक एक इन्वेस्टमेंट टूल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि किसमें कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आज की इन्फ्लेशन कितनी है, इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ भी रहा कि नहीं बढ़ रहा। आपका खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें पैसा कहाँ रखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो आज की डेट में लोग मिसगाइड हो रखे हैं, लोगों का भरोसा उठ गया है, वो है इंश्योरेंस। हमें समझना पड़ेगा सेविंग्स क्या है, हमें समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत बड़ा डिफरेंस है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले टाइम पे। तीसरी चीज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को भी समझना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस में पैसा लगा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। आपको इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किस किस तरह की इंश्योरेंस होती है, उस पर मैं आने वाले टाइम्स पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा मेन ब्रॉड टॉपिक रहेगा कि हमें कौन से ऐसे 6 स्टेप्स उठाने हैं कि जिससे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो सके। दूसरी ऐसी चीज है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है? रिस्क लाइफ में आने वाले हर खतरे को हम रिस्क कह सकते हैं। ये रिस्क कैसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जॉब जाने का रिस्क हो सकता है, आपके बीमार पड़ने का रिस्क हो सकता है, आपके साथ एक्सीडेंट होने का रिस्क हो सकता है, आपके साथ कोई अनहोनी होने का रिस्क हो सकता है। आप उन सब चीजों को, रिस्क को कैसे मैनेज करके रखेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें इंश्योरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट को
कैटर करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, इंश्योरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम पूरा एक टॉपिक बनाएंगे इंश्योरेंस को लेकर, क्योंकि इंश्योरेंस का सारा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है जो 2 मिनट में 5 मिनट में एक दो स्लाइड्स में आपको समझाया जा सके। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है सिर्फ इसलिए है कि आपको कौन सी 6 चीजें करनी है जो आपको मदद करने वाली। दूसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट को समझना, रिस्क प्रोफाइल को समझना। हमने दोस्तों हमेशा सुना है कि अगर इफ यू नो द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व, मतलब अगर आपको समस्या पता लग जाती है तो आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाता है, क्योंकि आप समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तकलीफ कहाँ है, मुझे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है, तो मैं सर में दर्द में अगर पेट के दर्द की दवाई लेने लगा तो मेरे सर का दर्द कभी नहीं जाएगा, उल्टा मुझे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मुझे वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ मेरी लाइफ में रिस्क हो सकता है, फिर उस रिस्क नामक तकलीफ को दूर करने के लिए क्या क्या रिस्क रिवार्ड रेशो के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब समझ रहे, रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब है कि हम कहाँ पैसा लगाएं जिससे हमारी रिस्क को हम काउंटर कर सकें, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो रिस्क मैनेजमेंट एक दूसरा हिस्सा है दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और तीसरी एक ऐसी चीज है कंटिजेंसी फंड। देखिए, आपने पैसा सेव कर लिया, आपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर लिया, आपने इंश्योरेंस भी ले लिया रिस्क प्रोफाइल अपना ठीक करने के लिए, कंटिजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो आपको अकस्मात चाहिए होता है। अकस्मात मतलब दोस्तों कभी भी एकदम से आपको जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, आप रात को सो रहे हैं, रात को अपने घर में कोई बीमार पड़ गया, आपको उठा के उसको हॉस्पिटल भागना है, तो आप क्या करेंगे? कंटिजेंसी फंड हमेशा कैश को कहा जाता है। अगर आपके पास आपने सब पूरा का पूरा जो इनकम है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, टोटल को इन्वेस्ट अगर आप कर देंगे, तो अकस्मात पड़ने वाली प्रॉब्लम्स या समस्याओं को मीट करने के लिए जब कैश आपको चाहिए तो उस कैश को कहां से ले जाएंगे? अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो अगर आपको किसी से मांगना पड़ेगा, फिर आप उधार में पड़ जाएंगे। उधार में पड़ जाएंगे तो आपकी समस्या फिर डेवन से स्टार्ट हो जाती है कि आपको उधार को चुकाना है। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरीके से मैनेज करें कि आपकी सेविंग्स भी हो जाएं, आपका खर्चा भी हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएं, आप इंश्योरेंस भी ले लें, रिस्क भी आपका कवर हो जाए, और साथ में कुछ पैसा हमेशा कैश होना बहुत जरूरी है। घर में आप देखेंगे, देखिए सबसे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर हमारे घर की औरतें होती हैं दोस्तों। आप अपने घर की औरतों को, लेडीज को, अपनी वाइफ को, सिस्टर को, मदर को, किसी को भी आप जो मर्जी पैसा दे दीजिए, वो उसको सेव कर जरूर कर लेंगे। उनके पास हमेशा कैश मिलेगा। आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आपके पास कैश शॉर्ट पड़ सकता है। आप कह सकते हैं कि मेरे पास महीने में पैसा नहीं है, बट आप अपने घर में अपनी लेडीज से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने सहयोग देने वाली आपकी वाइफ से पूछिए कि आपके पास पैसा है क्या, आपके पर्स में, उनके पर्स में हमेशा आपके लिए कैश मिलेगा। दोस्तों मुझे तो हमेशा हेल्प मिल जाती है मेरी वाइफ से, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर अगर आपको देखने हैं तो आपके घर में ही होते हैं, जो आपके घर की लेडीज होती है। तो कंटिजेंसी फंड के लिए कैश रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगली चीज जो है दोस्तों, जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज हम पिछड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हो गए हैं लोगों से, बहुत सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं। हमारे मुल्क हमसे, देखिए हिंदुस्तान में दिमाग की कोई कमी नहीं है। आज हमारे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके सर्विस कर रहे हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप नासा की बात कीजिए, वहाँ पे मेजर पोर्शन इंडियंस का है। गूगल की बात कीजिए, आप जहां मर्जी बात कीजिए, बड़े बड़े बैंक्स की बात कीजिए, नेशनल इंटरनेशनल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात कीजिए, तो वहां भी इंडियंस पहुंच गए हैं। पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम इंडियंस बाहर जा रहे हैं और अपने हमारे नहीं रह रहे हैं? और वो कौन इंडियंस हैं जो बाहर जाके सर्विस कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं? देखिए, उनमें और हमारे में खाली एक डिफरेंस है कि उन्होंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों अपने अंदर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टिंग योर सेल्फ का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ मीन्स आप मेंटली फिट हो, आप हेल्दी हो, आप फिजिकली फिट, आप करंट टॉपिक्स से अवेयर हैं, आपको आज की डेट में वर्ल्ड में क्या न्यूज चल रही है, वो क्यों चल रही है, कहाँ क्या घटना हो रही है, आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ स्पोकन या रिटन स्किल्स नहीं होती हैं, आज की डेट में सोशल स्किल्स भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आ रही हैं। देखिए, आपको हर तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर आप मेल लिखना जानते हैं तो बेहतर है, अगर आपको बोलना जानते हैं तो बेहतर है, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। आप ऑनलाइन बड़े लैंग्वेज कोर्सेज मिल रहे हैं, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड हाउ टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस ही आपको पता लग जाएगा। आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, नेट से सीख सकते हैं, आप जर्मन सीखना चाहते हैं, आप जापानीज, चाइनीज, कुछ भी सीखे सब मिल जाएगा आपको। अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को आज के माहौल से ढाल लेंगे, अपने अंदर जितनी एजुकेशन, जितनी अवेयरनेस, जितनी नॉलेज अंदर अपने अंदर कूट कूट के भर लेंगे, आप समझ लीजिए आप उन 4% लोगों में जाना शुरू कर देंगे जो अभी आप नहीं है जिसमें। तो आप दूसरी चीज देखिए, नॉलेज आपने बढ़ाई,
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लगातार आप बुक्स पढ़िए, आप नेट पे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स के आप ब्लॉग्स को पढ़िए, आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, फ्री डाउनलोड हो जाती हैं, वो पढ़िए। आपको जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से मिलती है, गूगल पे आज हर चीज फ्री अवेलेबल है ऑलमोस्ट। तो जो चीजें फ्री अवेलेबल है दोस्तों उसका फायदा उठाएं, जरूरी नहीं कि आपको जाके कोई बुक खरीदनी है 500-1000 रुपए की, आपको फ्री डाउनलोड कीजिए। इंटरनेट रेवोल्यूशन में लास्ट टाइम भी बोला था, फ्री डेटा आपको मिल रहा है इतना अच्छा, आप उसको यूज कीजिए बजाय कि आप मूवीज देखने या गाने देखने के लिए, वो भी देखना जरूरी है, बट आप मेजर टाइम अगर आपको अपने आप को अपडेट करने में लगाएंगे, ऐसे मटेरियल को डाउनलोड करेंगे जिससे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, तो दोस्तों सोने पे सुहागे वाली बात है। आप थोड़ा टाइम जिम जाने में लगाइए, थोड़ा टाइम योगा करने में लगाइए, थोड़ा एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, थोड़ा चहलकदमी कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जो आप कर सकते हैं अपने आप अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका शरीर बीमार होने लगेगा दोस्तों तो आपका दिमाग कहीं नहीं चलेगा। तो पहले अपने आप को हेल्दी बनाएं, फिर अपने आप को वेल्दी बनाएं। वेल्दी बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें हम आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे, तो आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक जो चीज हमें बहुत ही सेंसिटिविटी से हमें सोचनी है, सेंसिबल होकर सोचनी है, वो है कि हमें छोटे छोटे गोल्स को सेट करना पड़ेगा। छोटे गोल्स को सेट करने का मतलब क्या है दोस्तों, आज सपोज मेरी 22-23 साल की उम्र है, मैंने नौकरी करनी स्टार्ट की है, तो मेरी लाइफ के अब गोल्स, यहाँ इससे पहले मेरे गोल्स मेरे पेरेंट्स सेट कर रहे थे, अब यहाँ से मुझे मेरे गोल्स को मुझे सेट करना है। अब मेरी शादी होने वाली है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी के लिए पैसा बचा के रखा हुआ, पर अगर मैं कुछ पैसा ऐसा कमाऊं और ऐसा बचाऊं कि मैं अपनी शादी में अपने पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करूं, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, वो एक गोल हो सकता है। शादी हो जाएगी तो फिर बच्चे आपके होंगे, वो एक गोल होगा, बच्चे करना भी एक गोल है, बच्चों को फिर उसकी परवरिश करना एक गोल है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराना गोल है, उनका स्कूल में एडमिशन होगा, फिर उनका अच्छे हायर एजुकेशन में कॉलेज में आप उसका एडमिशन कराएंगे, वो एक गोल है, फिर उनकी शादी होगी, फिर उसके बाद वहीं से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो आपकी साइकिल स्टार्ट हुई है, फिर सबसे बड़ा गोल जो है वो आपकी रिटायरमेंट है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अपनी गुजर बसर करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने सबको सपोर्ट करने के लिए आप अपनी फाइनल रिटायरमेंट स्टेज को भूल जाएं, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द लाइफ है। अगर आपने अपनी रिटायरमेंट को प्लान किया है तो इसका मतलब ये है आपने ऑटोमेटिकली अपने सभी स्टेप्स को प्लान कर लिया है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको मालूम है, अगर आपका आज का लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड अगर 50,000 रुपए महीने से चलता है और आप 60 साल के बावजूद भी अगर 50,000 रुपए महीने की आपको इनकम चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं आज कहाँ पैसा लगाऊं कि जो मुझे 60 साल के बाद भी, मेरी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पैसा देने लगे। देखिए दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करने में, उनको अचीव करने में फेल हो जाएंगे, तो आप बड़े गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा मतलब सपोज आपको 25 सीढ़ी ऊपर जाना है, तो पहला स्टेप तो आपको पहली सीढ़ी से लेना होगा। पहली सीढ़ी के छोटे छोटे गोल्स को आप करते चलिए, आप दूसरी सीढ़ी पे जाइए, तीसरी सीढ़ी पे जाइए, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल जब होता है जब आपको गोल ही नहीं पता होते हैं। तो चल रहे हैं, अगर मुझे आज पंजाब जाना है और मैं यूपी की रोडवेज की बस में खड़ा हो जाऊंगा तो पंजाब कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, पूरी लाइफ में मैं कभी पंजाब नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए मुझे पहले ये पता होना जरूरी है कि मुझे जाना कहाँ है, जाने के लिए मुझे उसका रोड मैप तैयार करना बहुत जरूरी है कि मुझे किस किस सड़क से जाना है, क्या क्या व्हीकल्स अवेलेबल है, क्या ट्रांसपोर्ट का मोड अवेलेबल है। फिर मुझे ये देखना है कि मेरी पॉकेट कौन सा अलाउ करती है, मुझे फ्लाइट अलाउ करती है, मुझे ट्रेन अलाउ करती है मेरी पॉकेट, या मेरी पॉकेट बस अलाउ करती है, मेरा अपना खुद का व्हीकल अलाउ करता है, जो आपको बेस्ट सूट करता है आप उसको यूज कीजिए, आप पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे। इसलिए आपको अपने गोल्स को सेट करना जरूरी है, फिर धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों ये एक सलाह है जो छठा स्टेप हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो आज की डेट में आप देखेंगे कि सेबी की तरफ से भी और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत सारी ऐसा ऐड आ रही हैं जिसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी एड्स आती हैं जो कहते हैं भाई म्यूचुअल फंड अच्छा है। अच्छा एक्चुअली इसलिए है कि उसमें आप 500 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए छठा स्टेप रहेगा इसके लिए, अगर आपको गोल्स आपने रख ली हैं कि मुझे इतने साल के बाद मुझे शादी करनी है बच्चों की, इतने साल के बाद मुझे पढ़ाई में ये खर्चा करना है, इस साल के बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली है और ये मुझे बच्चे बेटे को देना है, ये मुझे अपने लिए रखना है, ये मुझे टूर एंड ट्रैवल के लिए रखना है, ये मुझे लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए रखना है, तो हर चीज के लिए, हर एक गोल के लिए आप एक SIP स्टार्ट करते हैं। SIP क्या है? SIP है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और उसकी प्लानिंग आप खुद कर सकते, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आप खुद भी हर महीने कुछ शेयर्स लेके रख सकते हैं। शेयर्स क्यों लेने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में क्यों पैसा लगाना चाहिए, इन सब चीजों पे हम एक बहुत ब्रॉड वीडियो बनाने वाले हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, शेयर मार्केट बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे क्या रिस्क है, क्या रिवार्ड है, क्या रिटर्न्स है, सब चीजों पे आगे आने वाले टाइम पे आएंगे। बट छोटे छोटे गोल के लिए मेरी एडवाइस है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स स्टार्ट कीजिए जो आपको हमेशा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ कि जो परसेंटेज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, अलग अलग मेजर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, देखिए आज इंडिया भी टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है, $1 trillion इकोनॉमीज में हमारा नाम आता है आज की डेट में। तो सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं USA अमेरिका,
अमेरिका में 54% लोग वहां के म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप उस कंट्री की इकोनॉमी का साइज देखिए, आप देखिए उस कंट्री के लोग कितना ग्रो करते हैं, वहां के लोग वेल्दी हैं। क्यों है? क्योंकि 54% लोग बिलीव करते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा यूके, यूनाइटेड किंगडम, 37%। ये डेटा गूगल पे अवेलेबल बॉस, ये मैंने कहीं से, मेरा खुद का मनगढ़ंत डेटा नहीं है, ये गूगल पे अवेलेबल है। ये परसेंटेज कुछ आगे पीछे हो सकती है करंट में, ये थोड़ा सा पुराना डेटा हो सकता है, बट अगर 37% 35% प्लस लोग अगर लगा रहे हैं तो कितना बड़ा नंबर है। और आप सोच के देखिए, हम वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज में से, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज में से इंडिया का नाम आ रहा है, जिसमें हमारे लोग कितने परसेंट लोग हैं आप गैस करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, देखिए 2-4% खाली, कहां 54% यूएसए, 37% यूके और 2-4% लोग इंडिया में। मतलब अभी तक इंडिया में लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में नहीं आया है। ये 2% से 4% भी पिछले 1.5 साल में हुआ दोस्तों, बहुत डबल की क्रांति आ गई है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स का साइज बढ़ गया है, बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड्स आ गए, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, नए नए म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स आ रहे हैं, आईएफएस की बाढ़ आ गई है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स की बाढ़ आ गई है, ठीक है। ये बढ़ रहा है क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, बहुत अच्छा है हमारी कंट्री के लिए। ये जब 4-10% हो जाएगा, सोचिए हमारी इकोनॉमी कहां से कहां चली जाएगी। आज कुछ ट्रिलियन डॉलर है, फिर मल्टी ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। हम भी top 3 में या top 4 में रेंज करने वाले हैं दोस्तों, इसमें इन सब का भागीदार हमें बनना है। अगर ये सब हम भागीदार जब बन पाए, जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, तो दोस्तों लेट अस टेक अ प्लेज कि हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छा करें, ताकि आने वाले टाइम में हमारी सब चीजें बिल्कुल अच्छे से चले। और इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले अपने रिस्क एपेटाइट को समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है और आप 10,000 का रिस्क लेने जाएंगे, तो आपसे और मेरे से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखना है, आपके परिवार में कौन है, क्या खर्चे हैं, क्या इनकम है। आपको अगर इनकम कम है तो इनकम को बढ़ाने की बात करनी है, आपको रिस्क की बात नहीं करनी है, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट की बात तब तक नहीं करनी है जब तक आपके खर्चे ज्यादा है या तनख्वाह कम है। तो आप तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आपकी तनख्वाह इतनी सब्सटेंशियल हो जाती है कि आप कुछ बचा सकते हैं, तब हम बचाने और इन्वेस्टमेंट की बातें करने लगेंगे। आप फिर ऐसे डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तलाशने की कोशिश कीजिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आपकी पॉकेट को, आपके रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट फिट करता है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, डिसीजन लेना है। जो लोग डिसाइड कर लेते हैं, जो एक्शन ले लेते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, वही लोग वो 96% से 4% की श्रेणी में ट्रांसफर होते हैं, वरना गैप उतना का होता ही रहेगा। इसलिए आप देखिए, अपना रिस्क देखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के तरीके ढूंढिए और डिसीजन लीजिए, और आज से और अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरे चैनल को देखते रहिए, आप सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।